माता खाक नहीं देखा और चका तीर के बेहोए। इंशाल्लाह बड़े पैसे आ गए आपके पास। क्या रिकॉर्ड कर रहा है ये? तो गाइस आज तो भाई आज का व्लॉग जो है मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ अटल भाई के घर, फजल भाई के घर, और यहाँ से हम लोगों को अभी जाना है मूवी देखने। अच्छा, और मूवी हम लोगों को देखनी है मौलाजट, जो न्यू मूवी आई है। असल में वो मैं देखने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर औकात कि इस मूवी को भी देखा जाए और इस पर भी रिव्यू दिया जाए, क्यों ना ये लाके आप लोग ये ना कहें जी बाहर की मूवीज देखता है, यहाँ वाली तो मूवीज देखता ही नहीं है। तो मैं इसीलिए ये वाली मूवी भी हम लोग देखने जाने लगे हैं। चल झूठा, काफी ज्यादा इसके बारे में नाम सुना है और सुना है कि बहुत अच्छी मूवी है। जब हम वहाँ जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कैसी मूवी है और हम वहाँ जाके देखेंगे। बस का आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं यार, इस टाइम आपसे बात करती ना एक्चुअली, मतलब रोज ही बात होती है, मुझे कुछ हो रहा था, बात नहीं हो रही। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं। One eternity later. तो भाई फाइनली जो है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं अंदर जाके मूवी देखने वाला हूँ। ठीक है समरिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी मोटरसाइकिल जो है वो पार्किंग में लग रही है और ये मेरा फोन नहीं है, मेरा मुंह जरा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो बस जो है अब हम लोग अंदर जाने लगे। अरे बस कर भाई, पहले लोग कहते थे मैं बोलता नहीं, अब बहुत ज्यादा बोलने लग गया हूं। क्या बोल तो गाइस हम लोग जाएं यहाँ पे मूवी देखने आ चुके हैं और फजल भाई साहब भी पूछते हैं कि उनको कैसा लगा, कि उनको कैसा लगेगा कि मूवी का रिव्यू उनसे पूछते हैं। हाँ तो गाइस मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता आपकी एक्साइटमेंट की फीलिंग्स, मैं आपको बता नहीं सकता। गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं कहता हूँ आप लोग ये मूवी देख के जरूर जाएं। गाइस हम जो है अभी अंदर गए, तो गाइस हम जो है अभी अंदर गए, एक ही बात बार बार बोल रहे हो, सेम बात डबल डबल। तो गाइस हम जो है अभी अंदर गए और अंदर जाके हमें पता चला कि सीट जो थी वो सारी बुक हो गई थी और अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो इस वजह से अब हम लोगों को किसी और सिनेमा में जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए, तो अब हम यहाँ से जो है वो जा रहे हैं। तो आपको कुछ कहना है इस पर? नहीं। अरे ये देख नजर ही नहीं आ रहा कुछ। ओह शिट, पागल है। तो गाइस हम जो है दूसरे उसमें आ चुके हुए हैं, अभी लाइट थोड़ी कम होगी तो बस बर्दाश्त कर ले, अब हम दूसरे सिनेमा में आ चुके हैं, अब हम यहाँ से जो है अंदर मूवी देखने जाने वाले हैं और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बस ले टिकट, दो टिकट है मौला जाट। नाम कितना फनी है। हाँ, मौला जाट पकड़ ले। थैंक यू। जो है ये मेरा फेवरेट है और ये जो है ये भी बहुत अच्छा। ओए ये तो आई वो नहीं आयशा, आप पेट्रोल के पैसे देंगे। अच्छा अच्छा, ओए ये वाला नहीं, वो कोई और है। ओए फवाद खान है यार। अच्छा देखिए देखिए, तो मैं नहीं लग रहा वो गोर। ओए ये तो वो लग रहा है वो जो उसमें मनने आता है। कौन आता ना हो गया। ओए देख चेहरे कितने लाल आ रहे हैं, फुल लाल आ गए हम। चल 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 आके कर लेंगे, अभी तो वेला ही वेला है, जल्दी कर जल्दी कर, खुल गया, जल्दी कर जल्दी जल्दी जल्दी। तो गाइस फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और फैटल भाई भी आ गए और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। गाइस अब जो है हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये मेरी फेवरेट टाइमिंग पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, अभी मूवी जो है वो शुरू भी नहीं हुई और हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी मैं काला काला लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ लाइट बहुत कम है इस वजह से। ठीक हो गया जी। 12:00 midnight। ये स्टेबल है ना? हाँ नहीं स्टेबल। तो गाइस हम लोग जो है मूवी देखा है, मैं आप कुछ बताएं मूवी के बारे में। यार मैं क्या बताऊं यार, मौला कन्न टूटे करा के कब्र तक पहुंच गया, तनु एक आवाज आएगी। मूवी के बारे में रिव्यू देना है, मूवी बता किस तरह की थी? अच्छी थी, बस स्टोरी लाइन पर
तो मैं बता देता हूँ, मूवी जो थी वो बहुत अच्छी थी। इसमें जो थे VFX वगैरह थी, इसमें जो स्टोरी थी, नॉन स्पॉइलर रिव्यू है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी। इसके पहले माइनस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एक ही बात बार बार बोल रहे हो, सेम बात डबल डबल। जो माइनस पॉइंट था उसकी मुझे स्टोरी प्रिडिक्टेड लगी सारी। एक दो बीच में थे जो शॉकिंग सीन थे, एक दो थे वो भी पता चल जाएंगे आपको, वो भी प्रिडिक्ट कर लेंगे। जो माहिरा खान एक्ट्रेस हैं इसमें, क्या रोल निभाया उन्होंने, वो उसकी नाम क्या है, उसका नाम नहीं याद है, शाबाश बेटा। एक्टिंग भी उनकी मुझे नहीं अच्छी लगी, और मतलब आप बीच में बहुत बोर भी हो जाएंगे, चले आ घर चले, हाँ तो आप कहेंगे चले बस कर। आप कुछ कहेंगे? बस मुझे हम जारिया बासी की गाइस एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। मैं माइनस पॉइंट बताने अभी प्लस पे आऊँगा मैं। यार हीरो से हमें अटैच ही नहीं किया ज्यादा, मैंने बहुत कोशिश की हीरो से अटैच होने की, हीरो से अटैच नहीं हुआ, विलन से अटैच हो गया। जी जी इतना दुख हुआ, वो पागल स्पॉयलर भी लिया, टू 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 डाल दी। हमजाली बासी ने रोल निभाया और उनका नाम इस मूवी में जो था वो नूर था, नूरी नूरी था, नूरी नूर तो लड़की का नाम। एक रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं, पता चले हो रहा हो, पागलों की तरह हो रहा नहीं हो रहा यार। प्लस पॉइंट में VFX भी थे, VFX बहुत मजे के थे। तीन चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो मुझे लगा विलन, उसका गेटअप और उसके डायलॉग्स वगैरह, बल्कि सबके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, और विलन स्टैंड अलोन खुद बहुत अच्छा था। और तीसरी चीज़ जो थी वो मूवी के VFX, वो बहुत ज़बरदस्त है, सब रियलिस्टिक लगेगा आपको। हाँ एक और चीज़, ये मूवी देखने से पहले आप लोगों को जो है वो राणा मौला जट, अगर आपको पता, अगर आपको रेफरेंसेस पता है उसके, तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रिलेट कर पाएंगे। बाकी हम लोग हीरो से जो रिलेट नहीं कर सके, एक तो मूवी पंजाबी में थी, इसलिए नहीं कि पंजाबी में थी, इसलिए रिलेट नहीं कर पाए क्योंकि स्टोरी को इतनी होनी थी जानदार। बस कर सोनिया। और फजल भाई जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ खाना खाना चाहता हूँ, मैं क्या बोलूँ यार। हाँ तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मूवी में यूँ भी करते हैं। हाँ तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हाँ ये तो